हर साल की तरह इस साल भी नारनौल रोड बहरोड में आज भाजपा के नेता मोहित यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद, चेयरमैन, पंच, सरपंच, प्रधान, भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा भारी तादाद में आमजन मोहित यादव को शुभकामनाएं व आशीर्वाद देने पहुंचे। मोहित यादव एवं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत सत्कार किया। प्रस्ताव लाए तो जयपुर हाईवे पे लोग आकर के देखें कि बॉम्बे दिल्ली हाईवे पे NH8 पे सबसे अच्छा बस स्टैंड कहाँ का है, तो लोग कहेंगे बहरोड का है। डॉक्टर साहब ढूंढ के रखिए, इस काम को जरूर कहेंगे। बस ठीक है, तैयार है, मिलकर करवा देंगे। एक तीसरा विषय और है, नेशनल हाईवे 48 पे जो सर्विस लाइनों के विषय कई लोग कहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रतिनिधि आए और एक बार NHAI के साथ बैठ करके हम लोग काम करेंगे। अलवर में हमने जो भूरा से विस्तार है आज ही उसकी एक समीक्षा बैठक ली है। हमने कहा है जो इंग्लिश बबूल है इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको हटा करके वापस से हमारे इलाके के जो पेड़ हैं, नीम है, पीपल है, आंवला है, बेड़ा है, ढाक है, कम से कम ये पेड़ लगने चाहिए। आप भी अपने गांव में या वन विभाग के साथ मिलकर के अगर ये काम करेंगे तो ये काम एक बड़ा काम होगा। हमारे सरकारी कॉलेज अच्छे हों, बहरोड में सीवर लाइन आए, और जो सबसे बड़ी बात है जल जीवन मिशन का, ये तो सौभाग्य की बात है। हालांकि अभी तो पहली बारिश आई है, मैं तो कहता हूँ और बारिश आए, लेकिन हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो बहने वाली दोनों नदियां हैं उनमें कम से कम पानी दिखने लगा है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश और आनी चाहिए। मैं अक्सर चुनाव में बहुत आप लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता रहा, और मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था इसलिए मैं जीता, मैं केवल इसलिए जीता हूं कि अलवर की 36 बिरादरी में सामान्य रूप से रहने वाला जो व्यक्ति था उसने मन से मुझे आशीर्वाद दिया। हर माताओं और बहनों ने मुझे मन से आशीर्वाद दिया, उनकी ताकत से मैं जीता। मैं हमेशा काम करता रहता हूं, लोग मुझे पूछते थे कि जी आप ये लगे रहते हो और आपको कभी हम देखते हैं चुनाव में कैसे लगे रहते हैं, इसका राज क्या है। मैंने कहा बहरोड में जब जनसभा में धन्यवाद देने आऊंगा तब बता दूंगा। मैं एक बहुत मन की बात करके जा रहा हूं, हमारे देश में, और ये तो हमारा इलाका भर्तृहरि महाराज की धरती रहा है, योगियों की धरती रहा है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मेरे से पहले दो सन्यासी यहाँ के सांसद रहे, पर ही जगह बाबा भर्तृहरि महाराज की तप स्थली है, और इसलिए अलवर में लोग मुझे पूछते थे चुनाव लड़ते थे या मंदिरों में दिखते थे, सोशल मीडिया में तो वहीं दिखते थे। मैं कहता था अलवर में है ही इतने ज्यादा, मैं हिंदुस्तान में इतनी जगहों में जाता हूं किसी लोकसभा क्षेत्र में इतने स्थान मिलते नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े इस समय के योगी हुए भर्तृहरि महाराज का बहुत बड़ा स्थान रहा, लेकिन योग सूत्र को जो महर्षि पातंजलि ने लिखा तो उन्होंने लिखा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादम। और जब मैं चुनाव लड़ने गया तो जो लोग भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति पॉजिटिव बात करते थे, मुझे पॉजिटिव सपोर्ट देते थे,
मुझे लगता था इनके प्रति मैत्री भावना रखो, ये आपकी ताकत बने। जो लोग भी शिकायत करते आते थे कि जी फलाना तो ये कह रहा है, पुराने गांव में तो ये हो रहा है, आपके तो वो आदमी नहीं थे, आपके तो वो आदमी नहीं थे, उनके प्रति करुणा का भाव रखो कि नहीं भाई अच्छे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, ठीक होएगा, आगे चल। और जो कोई भी बाद में चाहे कुछ भी कहे, मेरे सामने कहे जी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो मैं भी कहता भाई बहुत अच्छा भाई बहुत। थे कोई तो मिट्टी में पापड़ सेक रहा था और कोई क्या कर रहा था, लेकिन गर्मी 45 डिग्री से 48 डिग्री से ऊपर गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पिछले समय धरती से पेड़ों को काटा गया था। वाटर हार्वेस्टिंग होना तो जरूरी है, लेकिन पेड़ लगना बहुत जरूरी है। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारा सामान तो पैकेट में बंद होकर दुकान से आ जाता है, लेकिन ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, धरती पशु पक्षियों चिड़ियाओं सबके लिए है। और पेड़ जो है वो हमारी प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे